हेलो एंड वेलकम टू फूडफाइड, जहाँ पे मैं और आप मिलकर बनाते हैं कुछ हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपीज़। तो आज की हमारी हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी है ओट्स चिल्ला। ओट्स चिल्ला आपको वेट लॉस में बहुत फ़ायदे देता है और ये परफेक्ट रेसिपी है, हेल्थ के साथ साथ टेस्ट भी देती है एंड जिसे खाकर आप बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं करेंगे। तो ओट्स चिल्ला बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1 कप ओट्स, 1 मीडियम साइज चॉप टमाटर, कटा हुआ प्याज, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आधा आधी कसी हुई गाजर, कटा हुआ हरा धनिया और आधा, ये सारी चीज़ें मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। इसी के साथ मैं कुछ मसाले इसमें मिला लेती हूँ, जिसमें 1/4 टेबल स्पून मैंने टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, नमक, और इसके साथ ही 1 कप, और उसके इसको मिक्स करने के बाद 1/4 कप और मैं पानी का मिला लूँगी और इन सबको अच्छे से मिला के 10 से 15 मिनट के लिए मैं ढक के रख दूँगी। तो जब तक ये रेस्ट हो रहा है, मैं इसके कुछ फ़ायदे बताती हूँ आपको ओट्स के। तो इसमें कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, विटामिन B से ये भरपूर होता है। ये वेट लॉस में भी बहुत अच्छा है, ये डायबिटीज़ में भी बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि ये इंसुलिन के स्तर को कंट्रोल में रखता है। तो इतने सारे इसके फायदे हैं, इनफैक्ट और भी बहुत ज़्यादा इसके फायदे हैं। तो आप ओट्स को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। अगर आपको ओट्स दलिया नहीं पसंद है, जो कि मुझे एक्चुअली नहीं पसंद है, इसलिए मैं चिल्ला बनाकर ही खाती हूँ ओट्स का, और बिना तेल के बनाएं आप, ताकि और ज़्यादा आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक तवा गरम कर लिया है और उस पे मोटा मोटा ही इसको फैलाया है, ये थोड़ा मोटा ही बनेगा, जैसे बेसन चीला या फिर डोसा बनता है उतना पतला ये नहीं बनेगा, थोड़ा मोटा ही रहेगा क्योंकि ओट्स जो होते हैं थोड़े मोटे ही रहते हैं। तो इसको हम ढककर पका लेंगे और जब ये नीचे से अच्छे से पक जाता है तो ये आराम से पलट जाएगा। तो दोनों तरफ से पलट कर हम इसे कुरकुरा सेक लेंगे इस तरीके से। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, आप इसे चटनी या दही दोनों के साथ खा सकते हो और ये इनफैक्ट बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। आप दलिया बनाओगे तो वो आपको खुद को ही 2-3 दिन में उबाऊ लगने लगेगा कि यार नहीं खाते हैं, बट चिल्ला अगर खाओगे तो आपको टेस्टी भी लगेगा और आप उससे बोर भी नहीं होगे। तो आप चिल्ला बनाकर खाएं, काफ़ी अच्छा है। एंड इनफैक्ट सर्दियों में तो इतनी सारी सब्जियां होती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग, आपको जो भी जैसे मटर वटर जो भी पसंद है, आप अपने अकॉर्डिंग सब्जियां डाल सकते हो। तो ये देखिए तैयार है हमारा चिल्ला, और इसे चटनी और दही के साथ सर्व करें। एंड अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।